सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा लीड स्टोरी। च सब तो पहला हेडलाइंस। लुधियाणा के जिला अदालती कंपलैक्स धमाका, एक दी मौत, कई जख्मी। अदालत की दूसरी मंजिल के बाथरूम छोया सी ब्लास्ट। पंजाब पुलिस ने अदालती कंपलैक्स किया सील। कई केंद्रीय एजेंसियां भी जांच जुटियां। धमाके तो तुरंत बाद लुधियाणा पहुंचे सीएम चन्नी, कहा हर नापाक साजिश की तह तक जाएगी सरकार। गृह मंत्री रंधावा ने ह्यूमन बंब का भी जताया खदशा। विरोधियों ने सूबे की कानूनी व्यवस्था से खड़े किए सवाल। धमाके तो बाद पंजाब हाई अलर्ट जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो मंगी रिपोर्ट। सरहद पार भी जोड़े जा रहे हैं लुधियाणा धमाके के तार। फोरेंसिक जांच तो बाद सामने आएगा सच। ड्रग मामले गिरफ्तारी तो बचने लिए बिक्रम मजीठिया ने किया मोहाली अदालत का रुख। अगाऊ जमानत लिए पाई पटीशन। बहस तो बाद शुक्रवार तक लिए फैसला सुरक्षित। तीन साल बाद रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अकाली दल च की वापसी। कहा हुण सारे मन मिटा होए दूर। प्रकाश सिंह बादल की सुखबीर नूं नसीहत, ब्रह्मपुरा का हर हुक्म होवे इलाही। लुधियाणा के जिला अदालती कंपलैक्स के बंब धमाका होया है। इस धमाके के एक व्यक्ति की मौत और पांच के करीब लोग जख्मी हुए ने। जख्मियों की हालत खतरे तो बाहर है। बंब धमाका अदालती कंपलैक्स की दूसरी मंजिल से बने एक बाथरूम के होया। इस घटना बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो रिपोर्ट मंग ली है। तस्वीरां लुधियाणा के जिला अदालती कंपलैक्स दियां ने। इत्थे एक धमाके ने पूरे पंजाब नूं हिला के रख दिता। पुलिस मुताबक यह धमाका अदालत की दूसरी मंजिल से एक बाथरूम विच दोपहर बाद होया। इत्थे एक व्यक्ति की मौत हुई अते कई फटड़ हुए। तस्वीरां खुद बयान कर रही ने कि धमाका कितना खतरनाक सी। दीवारां टुट गईयां। जिधर भी वेखोगे मलबा ही मलबा विखाई देवेगा। इमारत के बाहर हेठां तक मलबा खिलर गया। नतीजा बाहर खड़े वाहनों नूं भी नुकसान पहुंचया। सीएम चन्नी ने साफ साफ कहा कि बंब धमाका सी। एक बंदे दी टोटल कुल जिहड़ा है जिहड़ा कि लगता है कि वह बंब नूं ही ओपरेट कर रहा सी, उसकी ही डैथ हुई है। उस तो अलावा पांच जने इंजर्ड है जिन्हों कोई सीरीयस इंजरी नहीं है, वो खतरे तो बाहर है। तो उम्मीद है कि अज या कल अपने घर चले जाएंगे। लुधियाणा के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर मुताबक मृतक शकी है। पुलिस मुताबक हो सकता है कि जो धमाका होया उस समय मारे गया व्यक्ति कोल खड़ा होवे, चाहे ही धमाका खे समगरी नूं संभाल रहा होवे। तकरीबन 12:15 बजे की गल है। कोर्ट कॉम्पलैक्स लुधियाने के सैकेंड फ्लोर के उत्ते जिहड़ा पब्लिक टॉयलेट है उहदे च धमाके की आवाज़ आई सी। और इमीडिएटली असी सारे सीनियर अफसर असी रश किए मौके पर। तो उहदे च एक गल जिहड़ी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन च आई कि इहदा कारण नहीं पता लग सकिया, क्योंकि इमीडिएटली मुश्किल हो जाता है कि किसी कंकलूजन पर पहुँचना। पर एक जिहड़ा सस्पैक्ट है जिहड़ा बंदा जिहदी बॉडी उत्थे मिली है उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और लग रहा है कि उहदे कोल ही इंपैक्ट सीगा या एक्सप्लोसिव दा, या वो बहुत नेड़े सी या वो कैरी कर रहा सीगा। ये प्रिलिमिनरी गल है, इहनूं कोई कन्फर्म नहीं कह सकते। ते बाकी चार जिहड़े इंजर्ड है वो सारे आउट ऑफ डेंजर है। उन्होंने इमीडिएटली असी होस्पिटलाइज करवा दिता सी। दे आर ओके। सारे होस्पिटल अथॉरिटीज़ नाल गल हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो लुधियाणा के जिला अदालती कंपलैक्स में हुए धमाके बारे रिपोर्ट मंगी है। कहा गया है कि NSG और NI के मैंबर भी जांच में सहयोग करेंगे। पंजाब पुलिस ने पूरे अदालती कंपलैक्स को सील कर दिया है। सारा एरिया असी क्लीयर कर लिया। साड़ी जिहड़ी एंटी सबोटाज टीम है वो सारा कोर्ट कॉम्पलैक्स सर्च कर रही है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी आ चुकी है साढ़े को। NSG की टीम जिहड़ी है वो दिल्ली तो चल चुकी है। उस तो अलावा जिहड़े बाकी साढ़े इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है डिटेक्टिव स्टाफ वाले, वो सारा इन्वेस्टिगेशन असी कर रहे हैं। और सारे CCTV वगैरह जिहड़ियां चीज़ां ने वो देख रहे हैं। प्रत्यक्ष दर्शियों मुताबक उन्होंने भी एक डेड बॉडी वेखी। आस पास दीवारां डिगियां सन।
सारियां दीवारां गिरियां छत उत्थे बंदे कहिंदे कपड़े कपड़े मैं कहा कपड़े नहीं मैं जदों कपड़े उतारे तां उत्थे डेड बॉडी पई आ हुण इह नहीं पता दूजी मंजल बाथरूम दे कोल बाथरूम दे किन्ने मिंट पहले गल है इह अद्धे पौणे घंटे दी गल है और सारियां अदालतां इह ब्लास्ट कोई बंदा अणहोणी करके गया बम ब्लास्ट। इस घटना बाद पूरे पंजाब विच अलर्ट जारी कर दिता गया। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा कि वह होर सख्ती वधा रहे हैं ता जो चोणां मौके सूबे विच कोई होर अजिही घटना ना वापरे। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, पहले हम टीम्स आ जाएं। नहीं, एक्सप्लोसिव है। क्या एक्सप्लोसिव है वो, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के जो फोरेंसिक साइंस टीम है, जो हमारे स्टेट के फोरेंसिक साइंस टीम है, प्लस सेंटर से एनएसजी से आ रहे हैं। हमने अलर्ट के लिए 3-4 दिन से स्पेशली सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हर कमिश्नरेट में पूरा अलर्ट डाला हुआ है। हर किस्म के हाँ जी हर जगह जहाँ पे भी क्राउड है, चाहे कोई रिलीजियस प्लेस है, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या मार्केट प्लेस, शॉपिंग मॉल, कचहरियाँ, हर किस्म की जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, और पब्लिक को भी हम कहेंगे थोड़ा अलर्ट रहे, पब्लिक भी थोड़ा होशियार रहे, शकील। इलेक्शन तो है ही है, तो फिर भी सबको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस हर जगह, पुलिस तो है पर पब्लिक अगर अलर्ट होगी तो ज़्यादा हमारी मदद होगी। इस घटना बाद मुख्यमंत्री चरजीत सिंह चन्नी, गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने जख्मियों का हाल चाल जानिया। करीब 5 लोग फटड़ हुए ने जिन्हों की हालत खतरे तो बाहर है। वह ही बंब चलाने वाला सी, बाकिया के जिन्हें सट्टा बजिया उन्होंने असी मिले हैं, वह आउट ऑफ डेंजर है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, पर यह बड़ी मंदभागी घटना हुई है। सानू लगता है कि आने वाली चोणों को देख के अराजकता फैलाने की पंजाब दे विच कोशिश है। इस दे पिछे कीड़ियां एजेंसियां है या कोई डा गैंग है या क्या है, वो बारे तहकीकात चल रही है। बड़ी छेती असी किसी नतीजे ते पहुँच जावांगे, पर यह माड़ी घटना हुई है। मैं एक गल बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहता कि पंजाब दे विच किसी तरह भी अमन व्यवस्था जिहड़ी है वह भंग नहीं होण दित्ती जाएगी। सरकार हर टाइम इस गल विच लगी हुई है। साड़ी पुलिस जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं वो सक्षम है हर कुछ करन दे, लेकिन ये केड़ियां एजेंसियां हैं जिहड़ियां पंजाब नू डिस्टर्ब करना चाहुंदियां या पंजाबियों नू डराउणा चाहुंदियां या आने वाले समय च डरा के वोटा लेना चाहुंदियां, उहदे बारे बड़ी छेती खुलासे हो जाणगे। पंजाब विच इह कोई पहली घटना नहीं। जलंधर के मकसूदा थाने 14 सितंबर 2018 नूं कई धमाके हुए सन, हालांकि जानी नुकसान नहीं होया सी। 18 नवंबर 2018 नूं राजा सांसी के पिंड अदलीवाल विच निरंकारी भवन विच ग्रनेड सुट्टिया गया सी। इस धमाके विच 3 लोगों की मौत हो गई सी। साल 2017 दीआं विधानसभा चोणां दौरान मौड़ च भी बंब धमाका होया सी। जनवरी 2017 नूं होए इस धमाके च 7 लोगों की मौत हुई सी। हुण जदों मुड़ सूबे च विधानसभा चोणां सिर उपर ने, अजे च इस धमाके ने कानून व्यवस्था उपर सवाल उठा दिते ने। लुधियाना बंब धमाके ने पंजाब की सियासत नूं गरमा दिता है। ब्रेक तो बाद गल करदे आं। ऐन चोणां मौके लुधियाना बंब धमाके ने सूबे की सियासत नूं भी गरमा दिता है। कांग्रेस अते अकाली दल आमो सामने है। अकाली दल ने चन्नी सरकार नूं सूबे की कानून व्यवस्था बनाई रखने च फेल करार दिता है, तो उधर जवाब कांग्रेस ने भी दिता है। दरबार साहब च बेअदबी की कोशिश तो बाद वीरवार नूं सनती शहर लुधियाना बंब धमाके नाल दहल उठा। मौके दे हालात जानने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी भी तुरंत लुधियाना पुज गए। पहला सीएम ने इस धमाके दौरान जख्मी हुए लोगों का हाल चाल जानिया। मुख्यमंत्री चन्नी ने दावा किया है कि एजेंसियां चोणां दे मौके माहौल खराब करने के इरादे नाल अजिहियां नापाक हरकतां करवा रही है, पर पंजाब सरकार इस दी तह तक जाएगी। जिस दिन दे असीं नशियां दे पिछे पए है उस दिन दीआं इदां दीआं घटनावां सामने आ रही हैं। हरिमंदर साहब दे विच भी एक घटना हुई है, उस तो बाद कपूरथला दे विच हुई है, जिहड़ी कि किसी तरह भी बेअदबी नहीं सी,
तो आ भी घटना क्योंकि अज मोहाली कोर्ट के केस सी इत्थे कोर्ट के घटना हो गई है। ये किस एंगल दे नाल है, या तो इस पासे है गया आने वाली चोणों के नाल कोई एजेंसियां पंजाब की अर्थव्यवस्था नूं भंग करके डरा के वोटां लेनियां चाहुंदियां पंजाब दियां, ये गल्लां आने वाले दिनां सामने। गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने मौजूदा कानून व्यवस्था नूं लैके डीजीपी नाल अचनचेत मीटिंग सदी अते दावा कीता कि किसी भी हालात च पंजाब दा माहौल खराब नहीं होण दित्ता जाएगा। किसी चीज़ नूं रूल आउट नहीं किया जा सकता, तुहानूं कल तक सारा कुछ पता चल जाएगा जो ओहदी जांच हो जाएगी। उत्थे जिहड़ी डेड आई पी ने साडे पंजाब दी पहले ही अलर्ट सी, आई पी तो पहला असी ज़्यादा अलर्ट सीगे, सानू पता सी असी टाइम टू टाइम ये जी रेड अलर्ट पहले ही कर दिया। नवजोत सिद्धू का मानना है कि अजिहियां घटनावां पंजाब दे लई खतरनाक ने। सिद्धू ने हालांकि दावा किया है कि दुनिया की कोई भी ताकत पंजाब की एकता नूं कमजोर नहीं कर सकती। यह साफ दर्शाता है कि एक खास कम्यूनिटी की पोलराइजेशन दे वास्ते उन्हां नूं अड करन दे वास्ते उन्हां नूं डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मुड़िया जा रहा है जिहड़ा पंजाब दे लई बहुत खतरनाक है। लुधियाणा तो सांसद रवनीत मिट्टू ने पंजाब च शांति बरकरार रखन दे लई केंद्र नूं पंजाब सरकार नाल मिल के काम करन दी अपील कीती है। साडी केंद्र सरकार नूं साडी पंजाब सरकार दा नाल साथ देना चाहीदा तां इह काम रुकणगे, नहीं मैं तुहानूं जिवें दस्सिया भी ऐसी पंजाब दे विच इस वार बहुत नवीं नवीं पार्टियां है वो पंजाब नूं डिस्टर्ब करके अपना दा खेडना चाहुंदियां है। श्रोमणी अकाली दल ने भी इस घटना से दुख का प्रगटावा किया है। पंजाब सरकार नूं राज विच अमन शांति भाईचारक सांझ नूं यकीनी बनाउण दे लई सियासी बदलाखोरी की बजाय अमन कानून वल ध्यान देने की अपील की है। पंजाब विच लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी है, अज जो बॉम्बे अपने उत्थे होया लुधियाने विच बॉम्ब ब्लास्ट होए, थोड़े दिन पहले बैंक लुटे गए, थोड़े दिन पहले किडनैपिंग, हर रोज किडनैपिंग दी, गुंडागर्दी दी, बॉम्ब ब्लास्ट दी, ऐ जियां खबरां आ रही हैं। पंजाब पुलिस अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल रही, जिहड़ी जिम्मेवारी पंजाब पुलिस दी है कल्ली पॉलिटिकल वंडेटा ते लगी है, सारा टाइम वंडेटा पॉलिटिकल लगी है पर जिम्मेवारी नहीं संभाल रही। आम आदमी पार्टी ने 2017 मौड़ मंडी ब्लास्ट का जिक्र करदिया लुधियाना च हुए धमाके पिछे राजनीतिक साजिश का खदशा जताया। कदे बेअदबियां, कदे लुधियाने दे विच बम ब्लास्ट, यह पंजाब का माहौल खराब करने की एक गहरी साजिश है। जांच होनी चाहिए है कौन मास्टरमाइंड ने। बीजेपी लीडर तरुण चुग ने ना सिर्फ इस नूं पंजाब सरकार की कमजोरी दसिया सगो बम धमाके की आड़ च बिना ना लए नवजोत सिद्धू ते भी हमला बोलिया। पंजाब की अमन शांति को कहीं नजर ना लगे, इसलिए ये बड़ी दुखद घटना, और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, पंजाब के गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि पंजाब की सुरक्षा को, बॉर्डर की सुरक्षा को अब सजग व सतर्क रहकर बार बार जो उनको वार्निंग्स आ रही हैं उसके बावजूद पंजाब की सुरक्षा पर जितनी सतर्कता देनी चाहिए थी, सीमाओं पर जितनी सतर्कता रखनी चाहिए थी, वहाँ कहीं फेल हुई है। सिर उत्ते विधानसभा चोणा ने बेअदबी दियां घटनावां दा अजे तक कोई थौ पता नहीं लग्या। उधर लुधियाणा बम धमाके की घटना ने सरकार अते पुलिस की कारगुजारी सवालों के घेड़े च खड़ी कर दिती है। अजिहे च विरोधियों वालों सवाल चुकने भी लाजमी ने, यानी हुण सरकार अते पुलिस दे लई चुनौती दोहरी हुंदी जा रही है। इत्थे एक होर ब्रेक लई रुकदे आं ते ब्रेक तो बाद लुधियाणा बंब धमाके तो पहला सूबे च वापरियां कुछ घटनावां बारे जाणांगे। पहला बेअदबी दियां घटनावां अते हुण लुधियाणा दे विच बंब धमाका। इस तों इलावा अगस्त महीने तो लैके दसंबर तक कई बार टिफिन बंब भी बरामद होए। इन्हां तमाम घटनावां दे बारे जाणदे आं। जदों हुण पंजाब विच विधानसभा चोणां सिर उपर ने, अजिहे विच पिछले कुछ दिनां तों लगातार एक तों बाद एक घटनावां सूबे विच वापर रहियां ने।
18 दसंबर नूं अमृतसर विच श्री दरबार साहिब विखे बेअदबी करन दी कोशिश की गई। मौके उपर मौजूद लोगों ने मुलजम नूं फड़ लिया। बाद विच कुटमार दौरान उसकी मौत हो गई सी। दसंबर नूं कपूरथला दे इक गुरद्वारा साहिब विच बेअदबी की घटना वापरन का दावा किया गया। इत्थे भी घटना मगरों कुटमार दौरान मुलजम की मौत हो गई। श्री दरबार साहिब अते कपूरथला दे गुरद्वारे विच वापरी घटना की हाले जांच चल रही है। अठारह दसंबर नूं तरन तारण के भिखी विंड विच पिंड वां तारा सिंह नेड़ियों पाकिस्तानी ड्रोन बरामद होया सी। इत्थे BSF की चौकी BOP वां नेड़े एक पाकिस्तानी ड्रोन डिग गया। BSF की 103 बटालियन ने ड्रोन कब्जे विच लिया सी। इस तो पहला 3 दसंबर नूं पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर के सरहदी जिले के पिंड सलेमपुर अराइयां तो बरामद की एक बोरी विच छुपाए हुए 4 हैंड ग्रनेड और एक टिफिन बंब बरामद किया। पिंड सलेमपुर अराइयां नेड़े टी पॉइंट से चैकिंग दौरान SHO सदर गुरदासपुर नूं सड़क किनारे झाड़ियों चो एक शक्की बोरी बरामद हुई सी। बोरी की चैकिंग करते उस विच छुपाए हुए 4 हैंड ग्रनेड और एक टिफिन बंब बरामद होया सी। इन्हां घटनावां तो पहला 22 सितंबर नूं तरन तारण तो टिफिन बंब बरामद होया। इत्थे कुछ लोगों पुलिस ने गिरफ्तार भी किया सी, जिन्हां कोलों कई होर भी हथियार बरामद हुए सन। 18 सितंबर नूं फाजिलका दे धर्मपुरा पिंड दे खेतां विचों टिफिन बंब मिलिया सी। 20 अगस्त नूं फगवाड़ा तो टिफिन बंब मिलिया सी। इस साबे च 9 अगस्त नूं भी भारत नूं दहलाउण लई सरहद पार तो आई मौत दे समान नूं पंजाब पुलिस ने बरामद किया सी, जो अमृतसर के पिंड डालेके के सरहदी खेत्र में पहुंचा सी। इस विच IED टेफन बॉक्स सी, जिस विच करीब 2 किलो RDX वरत्या गया सी। 5 हैंड ग्रनेड, 100 कारतूस और 3 डेटोनेटर भी बरामद किए गए सन। एक होर ब्रेक लई रुकदे आं ते ब्रेक तो बाद सुरक्षा व्यवस्था ते सवाल उठाउंदियां पिछले कुछ सालां च वापरियां घटनावां दे बारे जाणांगे। पंजाब दे सरहदी खेतरां दे विचों हथियार मिलदियां घटनावां कई बार वापर चुकियां ने। पिछले 2-3 सालां तो यह सिलसिला चल रहा है। पिछले सालां दौरान वापरियां तमाम घटनावां बारे जाणदे आं, जदों हर तरह के हथियार सरहद पार तो आए। चार सितंबर 2019 नूं अचानक तरन तारण के पिंड पंडोरी गोला नेड़े एक धमाके वर्गी आवाज़ सुनाई दी सी। धमाका इन्ना जबरदस्त सी कि आस पास रेंदे वसनीक दहल गए। धमाके ने घरां दीआं कंधां नूं भी एक बार कंपनी छेड़ दी सी। तरन तारण के पिंड पंडोरी गोला नेड़े घटना वापरी सी। कलेर अड्डे ते खाली प्लाट विच धमाका होया सी। प्लाट च देर रात 3 व्यक्ति खुदाई कर रहे सी। धमाके कारण मौके ते 2 दी मौत अते 1 जख्मी होया सी। मृतकां दी पछाण हरप्रीत सिंह हैप्पी पिंड बचड़े, विक्रमजीत सिंह विक्की पिंड कदगिल वजो हुई। धमाके विच गुरजंट सिंह गंभीर जख्मी होया। पुलिस ने कई शक्कियां दे घरां ते छापे अते पुछगिछ कीती। NIA की 2 मैंबरी टीम ने भी घटना स्थान का दौरा किया। सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि मुलजम बंब बना रहे सन।
there were three people jede raat te kuch samay ch oh toa pat rahe se aur utthe ek bottle de vich ek bomb banon di koshish kar rahe se mixture of some chemicals aur oh explode ho gaya ek banda do bande mar gaye ek zakhmi hai oh hospital ch hai ohdi akhan nu satt vaji hai we will find out ek kaun bana reha si bomb kaise ban rahe se bomb kis waste bana rahe se bomb pata lag ju 4 सितंबर 2019 की घटना बाद 12 सितंबर 2019 नूं हथियारां सन एक ट्रक पंजाब विच गुजरिया जिस नूं जम्मू कश्मीर विच काबू कर लिया गया सी। लखनपुर विच तलाशी समय ट्रक फड़िया गया सी। ट्रक नंबर JK13E2000 ट्रक पुलवामा विच रजिस्टर सी। जैशे मुहम्मद के 3 अतवादी सन 4 AK-56 अते 2 AK-47 राइफल बरामद हुई। 180 राउंड अते 6 मैगजीन भी पुलिस ने बरामद किए सन। 11,000 कैश भी मिलिया सी। मुलजम उबैद उल इस्लाम जहांगीर अहमद अते शबील अहमद बाबा सन। ये लोग जैशे मुहम्मद के अतवादी दसे गए जो जम्मू कश्मीर में वड्डे अतवादी हमले को अंजाम देने की फिराक में सन। इस घटना बाद तरन तारण के चोला साहब तो 4 मुलजमान भारी हथियार सने फड़िया। इन्हों का संबंध खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाल दसा गया। 5 AK-47 16 मैगजीन और 472 राउंड बरामद हुए। 4 पिस्तौल 8 मैगजीन और 72 गोलियां फड़िया गई। 9 हैंड ग्रनेड 5 सैटेलाइट फोन और 2 मोबाइल भी बरामद हुए। 2 वायरलैस सैट और 10 लाख की नकली करंसी भी फड़ी गई। DGP दिनकर गुप्ता ने दसा सी कि हथियार ड्रोन राही सरहद पार करके आए। हथियार छड़न आया ड्रोन वापस नहीं जा सकिया जिसनों बाद विच साड़ के खत्म करने की कोशिश की गई। इन्हां घटनावां बाद 1 अक्तूबर 2019 नूं अमृतसर के जंडियाला गुरु लागे एक ढाबे ते 3 मुलजमान की STF नाल मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 मुलजमान नूं दबोचिया। दसिया गया STF लुधियाणा और BSF ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया सी जिस दे संबंध में FIR STF पुलिस स्टेशन मोहाली विखे दर्ज की गई सी। उस समय जो हथियार बरामद हुए उन्हां दे विच 5 AK-74 राइफलां 10 मैगजीन और 200 जिंदा राउंड एक ग्लॉक पिस्टल ऑस्ट्रिया मेड 20 जिंदा राउंड और 2 मैगजीन बरामद हुए। इस दौरान 11 जून 2020 नूं पंजाब तो ट्रक में हथियार लेके जा रहे 2 मुलजम फड़े गए सन। दोवें ही शोपिया के रहने वाले से। पठानकोट में ट्रक फड़िया गया। इस ट्रक में 10 हैंड ग्रनेड 1 AK-47 राइफल 2 मैगजीन 60 कारतूस बरामद हुए। मुलजम आमिर हुसैन वानी ते वसीम हसन वानी काबू किए गए। यो तमाम घटनावां ने जो साल 2019 अते 2020 दौरान एक तो बाद एक वापरियां पंजाब दे विच हथियारां दी हनेरी आ गई। अजिहियां घटनावां बाद BSF अलर्ट है। पंजाब पुलिस ने भी सरहदी खेतरां च मुस्तैदी वधाई हुई है। जाते जाते एक जरूरी सूचना हूँ तुसी ABP सांझा टाटा स्काई दे चैनल नंबर 1929 ते भी वेख सकते हो। फिलहाल दे लई इना ही देश दुनिया दियां तमाम खबरां वेखण लई तुसी वेखदे रहो ABP सांझा।